पुष्कर मेले में श्रद्धालुओं के लिए रोडवेज प्रशासन ने 120 बसेस लगाई है। 40 बसें शनिवार सुबह केंद्रीय बस स्टैंड पर पहुंच गई, शेष 80 बसें रविवार सुबह आएगी। अजमेर डिपो के अलावा ब्यावर डिपो से भी पुष्कर जाने वाले यात्रियों के लिए बसों का संचालन किया जा रहा है। ब्यावर से बसें भाया मांगलियावास पीसागन होते हुए जाएंगी। अजमेर डिपो के मुख्य प्रबंधक पदम चंद जैन ने बताया कि पुष्कर में कार्तिक स्नान के साथ ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। रोडवेज डिपो ने पहले दिन से ही अतिरिक्त बसें लगाना शुरू कर दिया। मुख्यालय से भी बसें मंगवाई गई हैं। अजमेर के अलावा पुष्कर में बनाए गए बस स्टैंड से भी बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। अजमेर व पुष्कर से नियमित संचालन हो इसके लिए चौक पोस्ट चेक पोस्ट बनाने के साथ ही स्पेशल टीम्स लगाई गई हैं। भाई सब किस तरह की व्यवस्था है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। 120 अतिरिक्त गाड़ियों का संचालन हो रहा है और जाने में रूट अजमेर से पुष्कर वाया नौसर घाटी होके है, आने में वाया माकड़वाली, और यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो इसके लिए चेक पोस्ट लगाई गई है। जाने में लीला सेवड़ी, आने में माकड़वाली में चेक पोस्ट लगाई हुई है, और चालक और परिचालक के लिए खाने की व्यवस्था करी हुई है दोनों टाइम की, और यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो इसलिए उनको छत पे नहीं बैठने दिया जा रहा। अगर यात्री फिर भी बैठता है तो किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? पहली बात तो हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि इतने आदमी लगा रखे हैं कि ऊपर किसी को बैठने दिया नहीं दिया जा रहा। हमारे पास पर्याप्त साधन है कि इतनी कमी नहीं है कि हम ऊपर बैठने दे रहे हैं। किराया क्या? किराया जाने में 15 रुपए है और आने में वाया माकड़वाली 20 रुपए, और अगर वापस गाड़ी घाटी होके आती है तो 10 रुपए। 10 रुपए मात्र। इस बार क्या उम्मीद है पुष्कर मेले में? इस बार बहुत बढ़िया उम्मीद है, बहुत बढ़िया मेला चल रहा है, यात्री भी बहुत आए हैं। इस बार पुष्कर के अंदर पानी भी अच्छा हुआ है, इस कारण यात्री बहुत है। जी बसें कम से कम 80 गाड़ियाँ बाहर से मंगाई है और 40 से 50 गाड़ी हमारे खुद के डिपो। पुष्कर मेले में हमने ना जो बाहर से 70 गाड़ियाँ मंगाई है और हमारे डिपो से भी गाड़ियाँ लगाई हैं, और किसी भी यात्री को हमने छत पे नहीं बैठने दिए। 120 गाड़ियाँ कम से कम इस मेले में लगाई है, इस मेले को उठाने के लिए, और बराबर चेक पोस्टें भी लगाई हैं और पूरी व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। पूरे रात से गाड़ियाँ चल रही है, एक मिनट भी गाड़ी रुकी नहीं है, रात से अलग 24 घंटे तक गाड़ियों का संचालन हुआ है, और जैसे जैसे जिस तरह से भी यात्री मिल रहे हैं उसी तरह से यात्रियों को सुविधा दी जा रही है। जाने वाले रूट चेंज जाते वक्त रूट पुष्कर घाटी से होते हुए है, और आते वक्त जो गाड़ी का रूट है जो बंद करने के वन वे होने के कारण से वाया माकड़वेली होके आ रही है गाड़ी। पुष्कर मेले की इनकम का तो देखो अभी तो फाइनल जो होता है वो तो लास्ट में पता चलता है, लेकिन बाकी 100% लोड फैक्टर है, लेकिन 100% लोड फैक्टर चल रहा है अभी तो। अच्छी उम्मीद है मतलब इस बार? हाँ, इस बार में लगी। आपका नाम और पता? मेरा नाम श्रीकांत एलडी। यहाँ पर सावित्री चौराहे पे लोग नहीं, बस सावित्री चौराहे होते हुए जाते वन वे कर रखा, आते वक्त गाड़ी वाया माकड़वेली हो क्या रही। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।